नमस्कार, मैं हूं आनंद राज। नया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मैट्रिक्स सेलुलर लिमिटेड द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को स्थगित कर दिया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को तत्काल रिलीज करने की मांग वाली याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने एएसजी राजू द्वारा अनुरोध किए जाने वाले के बाद जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस को 3 सप्ताह का समय दिया था। समझौते की शक्ति स्पष्ट रूप से उस कानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने पारित एक फैसले में कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के बाहर के अपराधों के संबंध में समझौते की अनुमति तभी दी जा सकती है जब इस तरह के अपराध में समझौते करने से पहले अपराध बनाने वाले कानून में समझौते के लिए एक स्पष्ट प्रावधान हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सीआरपीसी की धारा 320 केवल आईपीसी के तहत अपराधों में समझौते का प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 23 जुलाई 2021 को एक फैसले में कहा कि बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग के मामलों में सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून के शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालने की गोपनीयता आवश्यक है। पीठ ने कहा कि चुनावी प्रणाली का सार मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए नया टीवी के साथ। धन्यवाद।